घर का भेदी लंका ढाए, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। ऐसा ही कुछ हुआ रूस के साथ। कभी राष्ट्रपति पुतिन की सबसे बड़ी ताकत रहा वैगनर ग्रुप आज उनके लिए ही मुसीबत बनकर खड़ा हो गया है, जिसके बाद उसने रूस के खिलाफ बगावत छेड़ दी है। वैगनर ग्रुप के 30,000 लड़ाके मोर्चे पर बताए जा रहे हैं। इस ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने रूस के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। तनाव को देखते हुए राजधानी मॉस्को आने वाले हाईवे को ही बंद कर दिया गया है। वैगनर का दावा है कि उसने रूसी सेना के दूसरे हेलीकॉप्टर को भी मार गिराया है। ताजा जानकारी के मुताबिक वैगनर ग्रुप के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन ने ऐलान किया है कि उसकी सेना ने रोस्तोव में रूस के सैन्य ठिकानों और एक एरोड्रोम पर कब्जा कर लिया है। इस बीच रूस ने भी पूरे देश में सुरक्षा बढ़ा दी है और वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को प्रस्ताव दिया है कि जो भी सैनिकों के खिलाफ नहीं लड़ेगा उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इसे लेकर रूस ने मॉस्को में आपात कदम उठाए हैं और आतंक निरोधी नियमों का ऐलान भी कर दिया है। येवगेनी प्रिगोजिन ने सोशल मीडिया पर शेयर वीडियो में आरोप लगाया है कि रूसी रक्षा मंत्री के आदेश पर रूस के युद्धक विमानों ने उसके वैगनर ग्रुप के लड़ाकों पर बम बरसाए हैं। साथ ही वैगनर ग्रुप के काफिलों को भी निशाना बनाया गया है, जिसमें उस ग्रुप के कई लड़ाके मारे गए हैं। प्रिगोजिन ने कहा कि ये बगावत नहीं है बल्कि न्याय की लड़ाई है। रूसी राष्ट्रपति तो यूक्रेन में जीत की उम्मीद लिए बैठे थे, लेकिन अब तख्ता पलट का खतरा मंडरा रहा है। क्रेमलिन की सुरक्षा के लिए टैंक लगाए गए हैं। मॉस्को की सड़कें टैंक और बख्तर वाहनों से पटी हुई हैं। पुतिन को लग रहा है कि रूस की प्राइवेट आर्मी उनके तख्ता पलट का कारण बन सकती है। द सन की एक रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि ये मामला यूक्रेन के बखमुत से जुड़ा हुआ है। दरअसल बखमुत में वैगनर ट्रेनिंग कैंप था। पिछले दिनों इसमें एक मिसाइल अटैक हुआ था। वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन का मानना है कि इसमें क्रेमलिन का हाथ है। इसी के बाद उसने मॉस्को को बर्बाद करने की कसम खाई। अब ये भी खबर है कि रूस में वैगनर की बगावत को लेकर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लगातार अपने करीबियों से अपडेट ले रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन रूसी सेना, आंतरिक मंत्रालय, FSB और नेशनल गार्ड से अलग अलग ब्रीफिंग्स ले रहे हैं।